बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूँ राज, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। 21 से 24 के पार्टमेंट के छात्र छात्र है, आपकी परीक्षा 18 तारीख से 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स मीडिया चैनल की तरफ से आप तमाम छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिखें और अच्छे नंबर से पास करें, चैनल हमेशा यही चाहती है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हम जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके सीट पर बैठा कर छोड़ेंगे, उसके बाद से आगे का फैसला क्या, आगे का जो अटैम्प्ट होगा, आगे की जो कोशिश होगी आंसर लिखने की, वो आपकी होगी। लेकिन हम आपको आपके सेंटर पर किस तरीके से आप रूम खोजेंगे, उसके बाद से आप किस तरीके से अपना सीट खोजेंगे, वहाँ पर बैठेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम क्लियर करेंगे कि आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो रोज़ आपको क्या क्या चीज़ देखना है और अपना जगह जो है किस तरीके से आपको खोजना है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ये फर्स्ट टाइम आप देख लीजिएगा, तो आपको पार्ट टू और पार्ट थ्री में उतना परेशानी नहीं होगा। तो आप एक चीज़ पहले यह ध्यान दीजिए कि आप जब जब जाएंगे एग्ज़ाम देने, पांच पेपर होगा आपका, पांचों दिन आपको जाना है, बीच बीच में गैप तो है, आपको पता ही है कि हाँ नवंबर में एग्ज़ाम है, नवंबर तक एग्ज़ाम है। तो जब जब आप एग्ज़ाम देने जाएगा तब तब आपको नोटिस बोर्ड पर जा करके देखना होगा। बोर्ड बिहार बोर्ड में ऐसा होता था इंटर मैट्रिक में कि एक बार देख लिए मालूम चल गया कि हाँ फलाना रूम है, फलाना सीट है, बस पाँचों पेपर हमें उसी दिन उसी पर जाकर देना है। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होगा ऐसा, आपको रोज़ नोटिस देखना होगा। आप जब जब जाएंगे एग्ज़ाम देने, जैसे कि मान लीजिए कि 18 को मॉर्निंग में या 19 को मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप जाएंगे तो सबसे पहले आप नोटिस देखेंगे जा करके सेंटर पर, जहाँ पर आपका सेंटर है, कि वहाँ पर नोटिस कहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर हमें रूम और रोल नंबर दिया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे, मैंने एक रफ बनाया है, जैसे कि किसी का हिस्ट्री पेपर वन होता तो ऐसा हिस्ट्री लिखा होगा, उसके बाद से कॉलेज का नाम और सेशन का नाम लिखा होगा। इसमें थोड़ा मोरा बदलाव हो सकता है, कॉलेज अपने लेवल से कर ले, कलमे से लिख करके 60 दिन नोटिस पर, लेकिन हाँ ये इतना आपको रोज़ देखना है नोटिस जा करके रोज़। उसके बाद से आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि रूम नंबर और आपको एक रोल नंबर, इस रूम नंबर से आपको मालूम चल जाए कि हाँ इस रूम में जा करके आपको एग्ज़ाम देना है, और रोल नंबर से आपको मालूम चल जाए कि हाँ इतना रोल नंबर वाला इस रूम में जा करके एग्ज़ाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, यदि RDS कॉलेज में किसी का सेंटर है और एग्जामिनेशन हॉल जो है RDS का, वो भी उसमें भी परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे, RDS ने ऐसी व्यवस्था की है, तो एग्जामिनेशन हॉल में कितने छात्र छात्राओं को बैठाई जाएगी, ये भी तो व्यवस्था होगी ना। तो आप देख पा रहे एग्जाम हॉल में मान के चलते हैं कि रोल नंबर इतना से इतना तक को एग्जामिनेशन हॉल में जा करके बैठना है, उनकी परीक्षा वहाँ पर होगी। तो आप देख पा रहे हैं जो भी आपका रोल नंबर है, लास्ट डिजिट देखिए 029 से लेकर के आप देख पा रहे हैं 080, मतलब कि 29 रोल नंबर 29 लास्ट वाला 29 से लेकर के 80 तक, इसके बीच में या इतना तक जितने भी छात्र छात्राओं का रोल नंबर होगा, आप रोल नंबर में अपने मिला लीजिएगा, हमने यहाँ पर एग्जांपल सेट किया है, तो इतने छात्र छात्राओं को किस में जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में जा करके एग्ज़ाम देना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही देख लेना है, आपको यह भी देखना है कि यहाँ पर हिस्ट्री है कि कुछ और है, आपका अंग्रेजी होगा तो अंग्रेजी देखिएगा, आपका साइंस में कोई सब्जेक्ट होगा तो अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, आपका ज्योग्राफी होगा आर्ट्स में तो आर्ट्स में लिखिएगा, आपका कॉमर्स होगा तो कॉमर्स देखिएगा, मतलब कि हर पेपर का अलग अलग नोटिस वहाँ पर साटा होगा, तो आपको अपना वाला पेपर देखना है। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही नोटिस में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ना एग्जामिनेशन हॉल रूम नंबर 6 रूम नंबर 89, तो कभी कभी कुछ कॉलेज ऐसी करती है कि बगल में जो है सब्जेक्ट का नाम भी लिख देती है कि ज्योग्राफी वाले को इस रूम में जाना है, हिस्ट्री वाले को इस रूम में जाना है, और इतना रोल नंबर से इतना, उसके बाद से कॉमर्स वाले को फलाने सब्जेक्ट का इतना में इस रूम में जाना है, साइंस वाले को इस रूम में जाना है, और साइंस का भी सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। तो आपको तीन चीज़ें पर ध्यान देना है कि आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि मेरे ही सब्जेक्ट फिलहाल नोटिस हुआ है ना, उसके बाद से तब देखना है कि हाँ इसमें मेरा रोल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और रोल नंबर मिल रहा है तो फिर हमें किस रूम में भेजा गया है। अच्छा, रूम में जाने के बाद आप कहीं भी सीट पर बैठ जाइएगा, अंदर रोल नंबर वाइज अरेंज नहीं किया जाता है, मतलब कि होता है ना कि सीट पर लिख दिया है, एक स्टिकर स्टार दिया गया कि हाँ इस रोल नंबर वाले यहाँ पर आके बैठेंगे, तो ऐसी व्यवस्था बिहार यूनिवर्सिटी में, जब से मैं जान रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है। हाँ, जो वहाँ के एग्जामिनर होंगे वो हो सकता है कि आपको कहे कि आप पीछे से बैठते आइए, चाहे आगे से बैठते जाइए एक लाइन में, ताकि अरेंजमेंट सही हो, तो एग्जामिनर जो है आपका इन्विजिलेटर उसमें जो होंगे वो आपको कहें कि हाँ यहाँ वहाँ बैठ जाइए, लेकिन कोई फिक्स जो है कि सीट पर मोहर नहीं मारा रहता है कि आपको हाँ वहीं पर जाके बैठना है तो वहीं पर जा करके बैठना है। बस आपको रोल नंबर देख लेना है, रूम नंबर देख लेना है, सब्जेक्ट का नोटिस सब्जेक्ट वाला आपको हर दिन देखना है,
क्योंकि हो सकता है कि सब्सिडी में आपका रूम नंबर बदल दे, रूम किसी और में बैठा दिया जाए, MIL हिंदी के दिन किसी और रूम में बैठा दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट कितना है और स्टूडेंट जो भी उस सब्जेक्ट में है उसके हिसाब से रूम उतना बड़ा है, उतना इंतज़ाम है कि नहीं है। तो आपको रोज़ देखना होगा ये सभी चीज़ें, ठीक। जब जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तब आप जाकर के नोटिस देखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि रूम नंबर 6 में इतना से इतना छात्र जाकर के बैठेंगे, रूम नंबर 8 में इतना से इतना, रूम नंबर 9 में इतना से इतना। तो आपके वहाँ पर जो भी अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से ये सभी चीज़ों को फॉलो करके आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे और परीक्षा हॉल में बैठेंगे। ध्यान रहे आप आधे घंटे पहले ये नहीं हो अपने सेंटर पर पहुँच जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।